अगर मेरे एक FIR होने पर, एक मुकदमा होने पर, एक के जेल जाने से 24 लाख बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और अगर दिल्ली पुलिस को ऐसा लगता है, कोई तानाशाही ताकतों में कोई लोग हैं जिन्हें ये लगता है FIR से मैं चुप बैठ जाऊँगा, तो चुप बैठने वाला नहीं हूँ। FIR एक नहीं, 100 FIR हो जाए, बाप डरे ना बेटा डरेंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लगातार जो देश विदेश में मुद्दे चल रहे हैं, जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर हम संघर्ष करते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे, पीछे हटने वालों में से नहीं हुए हैं। अगर सब कुछ सही तरीके से हुआ उनका जैसा कहना है, तो एक CBI जांच करके वो साबित कर दें कि सब कुछ ठीक हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। नमस्कार। देश भर में NEET UG में जो धांधली हुआ है उसको लेकर के युवा सड़क पर है, आए दिन आपको प्रोटेस्ट दिख रहा होगा। दिल्ली जो है वो सेंटर है जहां पर लोग जो है, या फिर कहें जो छात्र हैं, वो ज्यादा आक्रोशित है। वहां पर जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके घर को घेरा जा रहा है, या फिर कहें वहां पर युवा सड़क पर हैं और पुरजोर तरीके से जो है नीट में धांधली के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बेहतर पता है कि जिस तरीके से इस बार NEET UG का जो रिजल्ट है वो विवादों में है। 167 बच्चों ने जो है 720 अंक लाए हैं और ऐसी कई अनियमितता है जो कर निकल कर सामने आया है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, कार्रवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी NTA को फटकार लगाया है। हमारे साथ ऐसा ही एक युवा है, राजवर्धन इनका नाम है, दिल्ली में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन पर अब FIR हो गया है। पूरा मामला क्या है ये राजवर्धन जी खुद बताएंगे। पहले तो ये बताइए कि FIR आप पर हो गया, ये पहला FIR है, इससे पहले भी कुछ FIR वगैरह? पहला FIR, इससे पहले कोई क्या हुआ था बताइए, कैसे FIR हो गया आप पर? देखिए, हम लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जो आप जानते हैं नीट में धांधली हुई उसके खिलाफ हम न्याय की मांग कर रहे थे। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम कोई उपद्रव कर रहे थे। जो गांधी जी का तरीका है, सत्याग्रह का जो माध्यम है, हमने नीट सत्याग्रह नाम से जो विरोध प्रदर्शन का आयोजन जंतर मंतर पर किया था, और उस माध्यम से हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पर जब हमें देखने को मिला कि जो सरकार सुन नहीं रही है, हमने सोचा कि जो सीधे धर्मेंद्र प्रधान जी के कानों तक वो आवाज़ जाए, तो हम धर्मेंद्र प्रधान जी की आवाज़ पहुँचे, उनके गेट के बाहर हमने नारे लगाए, हमने कहा कि नीट वापस से कराया जाए। और इसी मामले में मुझ पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज किया। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि उस FIR की प्रतिलिपि अभी तक मेरे पास दिल्ली पुलिस द्वारा नहीं आई है। वो मुझे ABP और तमाम बड़े न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता चला कि मुझ पर FIR हुआ है, अभी तक मेरे पास ऐसा कोई जानकारी दिल्ली पुलिस के माध्यम से सामने नहीं आई है। क्या कर रहे थे आप, किसका घेराव कर रहे हैं? हम धर्मेंद्र प्रधान जी, जैसा कि आप जानते हैं, वो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने तीसरी बार शपथ ले ली है। पता नहीं उन्हें इस मामले के बारे में पता भी है कि है या नहीं, और या शायद ये भी हो सकता है कि वो भी इस मामले में संलिप्त हों, इसीलिए वो शांति बनाकर रखे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसमें उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है, ये उनका कथित बयान सामने है। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई NTA को, बिहार में गिरफ्तारी हुई, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने ये दिखाया कि 30 लाख रुपये में नीट के क्वेश्चन पेपर बिक रहे थे। गुजरात के गोधरा में गिरफ्तारी हुई, तो ये साफ दिखता है कि घोटाला हुआ, धांधली हुई। धर्मेंद्र प्रधान जी इस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, वो छात्रों की बात नहीं सुनना चाहते हैं। क्या लग रहा है आपको, ये तो ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, और बच्चे जो है कहे जो नीट से जो नीट दे चुके हैं, या फिर कहें जो मेडिकल सेक्टर के बच्चे हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जो ये चीज़ें चल रही है, आप लोगों को थोड़ा वेट नहीं करना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार नहीं करना चाहिए? नहीं, इंतज़ार मैं समझता हूँ अगर इंतज़ार करेंगे तो बहुत देरी हो जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा नहीं है कि ये मैं कह रहा हूँ या एक राजनीतिक संगठन इस बात का विरोध कर रहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 0.0001% भी अगर गलती हुई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है ये मैं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी मेरे कहने पर तो नहीं हुई, गिरफ्तारी बिहार पुलिस ने, गुजरात पुलिस ने की, देश भर में FIR हुआ है, जाँच चल रहा है। तो हम न्याय की मांग कर रहे थे और हम करते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो रीनीट की हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नीट एग्ज़ाम फिर से कराया जाए, क्योंकि आप जानते हैं काउंसलिंग का एक समय होता है, जो आप जानते हैं जून जुलाई तक सब प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जून ख़त्म होने को है, अभी तक जो प्रक्रिया तो चल रही है पर वो सही तरीके से नहीं चल रही है, तो वो सही तरीके से चले, जल्द से जल्द नीट एग्ज़ाम फिर से कराया जाए, ताकि 24 लाख जो छात्रों का भविष्य है वो अंधकार में ना जाए, उजाले में जाए। आपने सोचा था ये कि आप इस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे तो आप पर FIR हो जाएगा, आपको डर लग रहा है क्या? देखिए, डरने वाले हम कभी नहीं हैं। FIR एक नहीं, 100 FIR हो जाए। मैंने घर में भी बताया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई घर में भी किसी ने ये नहीं कहा कि आप डर जाओ, या फिर ये ज़रूर है कि आसपास के लोग डर का माहौल बना रहे थे कि FIR हुआ है,
थोड़ा चुप हो जाओ, चुप बैठ जाओ। और अगर दिल्ली पुलिस को ऐसा लगता है कोई तानाशाही ताकतों में कोई लोग हैं जिन्हें ये लगता है FIR से मैं चुप बैठ जाऊंगा, तो चुप बैठने वाला नहीं हूं। अगर मेरे एक FIR होने पर, एक मुकदमा होने पर, एक के जेल जाने से 24 लाख बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं इसके लिए डटे रहूँगा, लड़ते रहूँगा। अच्छा राजवर्धन, ये बताइए, एक सीरियस क्वेश्चन है, क्या लग रहा है ये जो प्रकरण चल रहा है नीट का, और बताया जा रहा है कि चीज़ें खुल रही है, परत दर परत जो है चीज़ें सामने आ रही है कि क्या क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है, आप यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, ये नीट का ये चक्कर क्या चल रहा है, वाकई जो है बड़ी धांधली हुई है, या फिर जो जैसा NTA का कहना है कि वैसा कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ सामान्य है? नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सरकप्पी पहली बार हो रहा है नीट में। इससे पहले JEE में भी एक बार ये बात सामने आई थी, मैं साल नहीं ध्यान कर पा रहा हूँ, पर मोदी सरकार के रहते ये बात सामने आई थी। UP में पेपर लीक हुआ, आपने देखा कितने बच्चे आक्रोशित थे। देश भर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ मेरे कहने पर कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या मैं केवल कहने अपनी राजनीति के लिए बात बोल रहा हूँ, ये चीज़ें हो रही हैं देश में, और सरकार लगातार नकारात्मक व्यवहार कर रही है, सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा लगता है, आपने देखा 4 जून को परिणाम घोषित हुआ, ऐसा लगता है जो केंद्र सरकार में बैठे लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो उन्हें इस चीज में ज्यादा ध्यान है कि कैसी सरकार बना लें, कैसे विधायक तोड़ लें, कैसे सांसद तोड़ लें, इन सब तरह की जो चीजें हैं अपनी राजनीति चमकाने में उनका ध्यान ज्यादा रहता है। छात्र हित में आप मुझे दिखा दीजिए कभी जो मोदी जी छात्र हित में बात करते हो, वो AI के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। जो केंद्र में बैठे लोग हैं, कभी मैंने नहीं देखा कि वो छात्र के लिए जो गंभीरता होती है वो मैंने उन पर कभी नहीं देखा। वो हमेशा फिजूल की बातें, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मीडिया में सनसनी में बने रहने के लिए काम करते हैं, छात्र हित में बात कभी नहीं करते हैं। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, या फिर आप पर जैसे आज FIR हो गया और भी लोगों पर आने वाले समय में FIR होगा, क्या मैसेज देने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? मैसेज यही है कि हम छात्र हैं, हम युवा हैं, और आप जानते हैं युवा ही भविष्य है। और ये जो युवा है, चाहे UP में आपने देखा पेपर लीक, UP में तो मामला काफ़ी आगे बढ़ गया था, यहाँ तो फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। UP में जो छात्र आक्रोशित था, अग्निपथ जैसी जो योजना है, अग्निपथ में जो आर्मी का भविष्य खतरे में डाला जा रहा है, ऐसी योजनाओं के खिलाफ हम संघर्षरत रहेंगे। और जब तक ऐसी योजनाएं जो आएंगी सरकार द्वारा, जिसमें धांधली होगी, जो गलत तरह की योजनाएं हैं, जब मोदी जी 10 साल से ज़्यादा प्रधानमंत्री रह सकते हैं, तो बच्चा आर्मी में जाके 4 साल से ज़्यादा सेवा क्यों नहीं दे सकता है? ऐसी तमाम योजनाएं हैं, ऐसी जो सरकार की गलतियां हैं, मैं गिनाते बैठूं तो घंटों बीत जाएंगे, उस पर मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जब भी सरकार छात्र विरोधी, युवा विरोधी कार्य करेगी, हम सड़क पर उतरेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम विरोध करेंगे, और FIR मुकदमा होगा, जेल भी जाना होगा, तो उसके लिए तैयार रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल बताइए कि पापा को जब पता चला कि आप पर FIR हो गया है, पापा क्या बोले? पापा ने कुछ भी नहीं बोला, मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं तो मैंने बताया कि पापा उस मामले में धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास घेराव में FIR हो गया, बोले ओ, बस इनका सीधे रिएक्शन ये था, कहीं कोई डर की बात नहीं थी। मैं, पापा ही मेरे प्रेरणा रहे छात्र जीवन से, FIR मुकदमा पापा ने भी देखा है, पापा भी कभी नहीं डरे। अभी हाल फिलहाल में भी कोई ट्वीट को लेकर मामला, दिल्ली पुलिस ने FIR पापा पे भी किया था, तो पापा पे भी किया, मुझ पर भी किया, ना बाप डरे ना बेटा डरेंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लगातार जो देश विदेश में मुद्दे चल रहे हैं, जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर, हम संघर्ष करते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे, पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, चाहे एक FIR हो, चाहे 200 FIR हो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। नी NTA को, और कहें या फिर केंद्र की जिनको आप घेर रहे हैं, या फिर धर्मेंद्र प्रधान का आपने जिक्र किया है, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे और क्या मांग? देखिए, राजनीति से अगर हम परे हटें, हर चीज़ को राजनीतिक मायने से नहीं देखना चाहिए, राजनीति से परे हट के मैं सीधे उनसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि जब एक बार NTA पर CBI जांच क्यों नहीं हो सकती? अगर सब कुछ सही तरीके से हुआ, उनका जैसा कहना है, तो एक CBI जांच करके वो साबित कर दें कि सब कुछ ठीक हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। मेरी सीधी यही मांग है कि सबसे पहले एग्ज़ाम फिर से कराया जाए, वो उनके अंतर्गत है, वो करवा सकते हैं, पहले एग्ज़ाम फिर से कराया जाए, उसके बाद NTA में जो भी इस धांधली में संलिप्त पाए गए हैं, उन पर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरी उनसे केवल हाथ जोड़कर यही आग्रह है कि 24 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में ना डालें। मुझे किसी भी तरह की राजनीति चमकाने में, न्यूज़ मीडिया में उनके जैसे बने रहने में कोई रुचि नहीं है, मैं बस छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहता हूं। FIR के बाद भी आप उसी बुलंदी के साथ और उसी जोश खरोश के साथ आप करेंगे? बिल्कुल, आप उसी जोश के साथ खड़ा हूं, सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। कल को हो सकता है आपका चैनल देख के एक और FIR हो जाए कि इसने धर्मेंद्र प्रधान जी या मोदी जी के खिलाफ गलत बयानबाजी की है, तो हो जाए, कोई डरने की बात नहीं है।
चलिए, राजवर्धन जी हैं जो ये बोल रहे हैं कि युवाओं के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और जहां तक बात है नीट की, तो नीट में देखिए कि जिस तरीके से 24 लाख बच्चे जो है हर साल नीट में खड़े होते हैं, भाग लेते हैं, और ऐसे में नीट जो है मेडिकल में कहे या फिर डॉक्टर बनने का सपना का एक ऐसा सीढ़ी है जो हर साल लाखों लाख बच्चे देखते हैं। और अगर नीट में इस तरह की चीज़ें हो रही है, और ख़ास करके जो सबसे कठिन परीक्षा है, जो सबसे विश्वसनीय परीक्षा है, तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। केंद्र सरकार में भी सवाल खड़े होते हैं, NTA जो कि संस्था है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और यही वजह है कि आप देखिए कि देश भर में नीट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, वापस से रीनीट की मांग की जा रही है, नीट की एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट कराने की बात की जा रही है। राजवर्धन जी पर FIR हो गया है, बोल रहे हैं कि हम उसी तरीके से डटे रहेंगे जैसे डटे हुए थे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार NEET UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in